हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोगों के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होने के बाद भी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसे, इसके बारे में। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हो रही है उन लोगों को जिनके पास कंप्यूटर रिलेटेड इकामा है, कंप्यूटर प्रोग्रामर का, कंप्यूटर टेक्नीशियन का, इस टाइप का जिनके पास इकामा है उनको दिक्कत हो रहा है। और उनको दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो कोर सब्जेक्ट कंप्यूटर पे नहीं है, वो एडिशनल सब्जेक्ट पे है। जैसे कुछ लोगों ने बीएससी किया है, बीएससी में क्या होता है, जो एक ऑनर पेपर होता है, ऑनर पेपर कुछ और रहता है, और जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है उनका। बावजूद इसके अगर वो ये सबमिट कर रहे हैं तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उनका जो डिमांड है वो कहते हैं हमें एटलीस्ट एक साल या दो साल का जो आपका इकामा में पोजीशन है, जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे डिप्लोमा चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मेन सब्जेक्ट आपका वो होना चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हैं, उनका सीधा रिक्वायरमेंट ये है। बट एक्चुअल में उनको समझना चाहिए कि कोई बंदा अगर कंप्यूटर रिलेटेड जॉब कर रहा है तो हमारे इंडिया में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, तो वो सब्जेक्ट से भी एक्सेप्ट होना चाहिए। खास करके बीएससी की जो डिग्री है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो जिनके पास भी ये प्रॉब्लम हो रही है फ़िलहाल, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार जाके बात करो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के ऑफिस में, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो कि ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है। ये बात अलग है कि आपका जो कोर पढ़ाई है उसमें नहीं है कंप्यूटर में, बट वो सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बात किया जिनके पास कंप्यूटर रिलेटेड इकामा है, उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब उनके हाथ में है, वो क्या एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सब कुछ उनके हाथ में है। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ दिन से परेशान थे, मुझे इस पे लेके कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाता हूँ, और यही रीज़न से मैंने इस पे वीडियो बनाया। सो ये मैंने सिंपली एग्जांपल दिया कंप्यूटर टेक्नीशियन का। इसके अलावा और भी अगर कोई दूसरा टाइप का ट्रेड है और वो ट्रेड का आपने एडिशनल सब्जेक्ट लेके पढ़ाई किया है तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो जो भी आपका ट्रेड है उसमें प्रॉपर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।